हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये वाला वॉल हैंगिंग। ये मैंने मीशो पे देखा था तो मैंने सोचा इसे क्यों ना घर पे बनाया जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कुछ कार्डबोर्ड पीसेस, ये मेरे घर पे पड़े हुए थे तो मैंने इसी को यूज़ करूँगी। तो चलो इसका फटाफट साइज बता देती हूँ। ये छोटा वाला है 22 सेंटीमीटर और यहाँ से 10 सेंटीमीटर। ऐसे मैंने दो और बनाया है, इसको साइड में रखते हैं। और ये बड़ा वाला है 28 सेंटीमीटर और यहाँ से है 12 सेंटीमीटर। छोटे वाले पीस की तरह इस बड़े वाले पीस को भी मैंने 3 ही पीस ही लिया है। अब इसको ग्लू से चिपकाते हैं। तो ग्लू से चिपकाने के बाद इसके ऊपर कुछ भारी चीज़ रखेंगे जिससे ये आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए। जब तक ये सूख रहा है तब तक हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये पेस्ट मैं कार्डबोर्ड के किनारे पे लगाऊंगी जिससे कि गैप ना रहे और ये मजबूत भी हो जाए। तो ये मैं वॉल पुट्टी ग्लू और पानी से बना रही हूँ। पेस्ट तैयार है, पेस्ट को रखते हैं अभी साइड में। और हमारा ये कार्डबोर्ड भी सूख चुका है, इसको अब हम सैंड पेपर से घिस लेंगे। तो मैंने सैंड पेपर से अच्छी तरह से घिस लिया है और साइड में देखो बहुत ज़्यादा गैप है और ऊबड़ खाबड़ है, तो इसी साइड में मैं इस पेस्ट को लगाऊंगी। आप चाहो तो मास्किंग टेप भी लगा सकते हो, मेरे पास मास्किंग टेप ख़त्म हो गया था तो मैं पेस्ट को लगा रही हूँ। पेस्ट लगा लिया है और ये अच्छी तरह से सूख भी गया है। तो अब इसके ऊपर पॉइंट बनाते हैं। तो आप अच्छी तरह से देख लो कि मैं कैसे पॉइंट बना रही हूँ। इस पॉइंट पे हम छेद करेंगे जिससे कि हम इसके अंदर से रस्सी को डाल सके। मैंने तो पॉइंट कर लिया है, अब बारी है रस्सी बनाने की। तो आप इस टाइप का कुछ रस्सी लो, मैं मुझे इसका नाम पता नहीं, मेरे दीदी सिलाई का काम करती है तो मैंने उसी से लिया है। तो थोड़ा सा धागा लेने के बाद मैं इसके किनारों पे एक गांठ बांध रही हूँ। सही, तकरीबन 4 रस्सी लूँगी और सबका एक चोटी बना लूँगी। तो मैंने चोटी बना लिया है और दोनों किनारों पे गांठ बांध रखी है। वैसे भी एक गांठ हमें खोलना पड़ेगा। तो 2 है बड़ी रस्सी और 2 है उससे थोड़ी छोटी। तो अब हम लेंगे कार्डबोर्ड और कार्डबोर्ड के ऊपर जो पॉइंट किया था उनमें छेद करना शुरू करूंगी। तो मैं कुछ नोकीला सा ले रही हूँ, उससे ही मैं इसको छेद करूंगी। तो हमने छेद तो कर लिया है, अब रस्सी को इसके अंदर से डाल के देखते कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये अच्छे से चला गया था अंदर और ये काम कर रहा था, तो मैंने रस्सी को निकाल के फिर से गांठ बांध लिया है। अब चलो कार्डबोर्ड के पीसेस को कलर करते हैं। आप कोई सा भी कलर ले सकते हो, मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हो। तो मैंने कार्डबोर्ड को पेंट कर लिया है और ये अच्छे से सूख भी गया है। अब मैं लूँगी एक लकड़ी, मेरे पास लकड़ी नहीं था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास लकड़ी हो तो वो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से सैंड पेपर से घिस लूँगी। तो मैंने अच्छी तरह से घिस लिया है, अब मैं इसके ऊपर यूज़ करूँगी वाइट पेंट। आप जैसो भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास जैसो ख़त्म हो गया था तो मैं वाइट पेंट के साथ ग्लू यूज़ करके इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने पेंट कर लिया है और इसको साइड पे सूखने के लिए रखा है। अब लेते हैं कार्डबोर्ड और इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी वर्निश।
लकड़ी भी सूख चुका है, अब चलो इसको भी पेंट करते हैं। तो चलो अब हम इसमें रस्सी ऐड करते हैं। तो फर्स्ट कार्ट हम खोल देंगे। तो ये छोटी वाली रस्सी है और छोटी वाली रस्सी को हम एक ही साइड में रखेंगे। तो इन दो साइड पर ऐसे ही रस्सी लगाएंगे। तो मैंने चारों तरफ पर रस्सी लगा लिया है। अब आप जितना ज़्यादा गैप चाहते हो उतना ज़्यादा गैप रख के अब गांठ बांध दो। वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि ये मीशो जैसा बन पाएगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने कौन सा बोला था डिट्टो मीशो जैसा बनाऊंगी। तो मैंने बाकी रस्सियों पर भी ऐसे ही गांठ बांधा है। फिर इस छोटे वाले कार्डबोर्ड के पीस पर भी वैसे ही रस्सी डालेंगे। तो ये अच्छे से वर्क तो कर रहा था, तो चलो अब बाकी का काम करते हैं। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, पर मैंने इसका कलर पूरा चेंज कर दिया था। फिर बाद में दिखाऊंगी फुल लुक। तो यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई, वो गलती मैं आपको दिखाती हूँ। पर पहले इन सबको ज्वाइन करते हैं एक साथ। इस गलती को देखो, इसको बनाने का वीडियो मैंने रिकॉर्ड तो किया था, पर ये इतना गंदा लग रहा है कि मैंने वीडियो डिलीट कर दिया। अब मैं इस सबको उतारने वाली हूँ, कुछ सिंपल सा करूँगी जिससे कि कुछ सुधर जाए। तो मैंने सब कुछ उतार के सिंगल रस्सियों पर बीट सेट कर दिया है। अब मुझे कुछ ठीक ठाक लग रहा है, तो फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। चलो ऐसे जितनी मेहनत की उतना तो खास लग नहीं रहा, पर अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।